अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से न्यू LMS जो अपडेट हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें क्या नए फीचर्स हैं और इसके अलावा कोर्सेज सिलेक्शन किस तरीके से होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके से है। पहले आपका इंटरफेरेंस सेंटर में आता था और बैकग्राउंड आपका वाइट हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने चेंजिंग की है। आपकी एक प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ नीचे हुआ करती थी सेंटर में, तो इन्होंने कुछ चेंज कर दिया, वो यहाँ पर दे दिया आपको। और LMS को इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट ID, पासवर्ड, ठीक है, कीप मी लॉग इन, साइन इन, नोटिस बोर्ड। तो स्टूडेंट हैंडबुक में जो है आपके हैंड आउट से रिलेटेड जितनी मसले मसाइल है वो आप जाके यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ऑफिस, कोर्सेज सिलेक्शन के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एसोसिएट डिग्री के बारे में। ठीक है, तो इससे के साथ जाके कुछ भी नॉलेज लेना चाहे वहाँ पर जाके ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा चलते हैं नोटिस बोर्ड में। तो नोटिस बोर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको जो भी आपको नोटिस बोर्ड यानी कि नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें LMS के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलते हैं वापस। ठीक है, तो सबसे पहले आप ID डालते हैं। यहाँ पर मैंने ID डाली, अपने पासवर्ड डाला और साइन इन कर लिया। पहले लॉग इन कर चुका हूँ तो इस वजह से मेरा पासवर्ड सेफ हो गया। ठीक है, मैंने इसको एक्सेस दिया सेव करने का। ठीक है, तो हमने LMS अपना लॉग इन कर लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंटरफेरेंस जो है काफ़ी अच्छा है। अगर आप ओल्ड LMS के बारे में अगर आप देखें, ठीक है, तो कुछ खामियां हैं वो हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं। काफ़ी स्टूडेंट को पसंद भी आया और काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं अच्छा नहीं, तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या फीचर्स है। सबसे पहले आप देखें, आपको राइट कॉर्नर पर आपको दे रहे हैं यहाँ पे आपका यानी मेन प्रोफाइल और उसके यहाँ पर जीवन नोटिफिकेशन बार। ठीक है, जो नोटिफिकेशन बार आपका बाहर बार क्लिक किया था तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वही नोटिफिकेशन बार में ले जाएगा। ठीक है, वही जो चीज़ थी वो आपको यहाँ पे दे दी उसने। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस। तो अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके प्रोफाइल में ले जाएगा। प्रोफाइल में तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो है आपने कब एडमिशन लिया, ठीक है, किस डेट को एडमिशन लिया, आपका कैंपस कौन सा है, नंबर वगैरह, आपकी मार्कशीट जो आपने अप्लाई की थी मतलब इंटर की, उसकी डिटेल सारा यहाँ होगा। मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन है। और उसके अलावा पहला ऑप्शन तो ये हो गया बस कौन सा है आपका फ़ोन नंबर, और दूसरी चीज़ जो है आपको चेंज पासवर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपको। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका चेंज पासवर्ड है, यहाँ से जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन पर दिया गया आपका लॉग इन हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अभी ये इतना काम में आया नहीं है तो इसको हमें आइडिया नहीं किसी से इस्तेमाल करना है। सिंपली आप लॉग इन करते रहेंगे तो डिटेल इसमें आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं वापस। तो अब हम चलते हैं अपने राइट कॉर्नर पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा और इसको बंद करेंगे तो, ठीक है, तो ये जिस टैब आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं होम टैब की तरफ। तो होम टैब में क्या है, तो होम टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कोर्सेस आ रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो है लास्ट सेमेस्टर के कोर्सेस हैं सारे ये मैं पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ये क्लियर भी हैं, तो ये मेरे यहाँ पर अभी ओल्ड कोर्सेज शो हो रहे हैं तो इन्हीं को देख लेते हैं। सबसे पहले आप आएँ CS 300 में, डाटा स्ट्रक्चर, ये आपका कोड है और ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपके टीचर है और ये आपका लिखा हुआ है क्रेडिट हॉर, यानी कि कितने क्रेडिट हॉर का कोर्स है, 3। ठीक है, तो देख लेते सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 45। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इस लेक्चर में 45 लेक्चर्स हैं। ठीक है, यानी इनके लेक्चर में टोटल 45 लेक्चर है अगर हम इस पर क्लिक करके देखें। ठीक है, तो ये आपको वीडियो की तरफ ले गया, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम अपडेट कर दिया। यहाँ पे कमेंट में देख रहा हूँ, यहाँ कमेंट्स में आपको शो कर रहा है। ठीक है, हाँ, काफ़ी अच्छा सिस्टम कर दिया यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ करना है, यहाँ पे वॉइस का भी दिया हुआ है ऑप्शन, पिक्चर का भी दिया हुआ है और यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं वीडियो प्ले करूँ, यहाँ पे लिखा है टोटल व्यू 0, वॉचिंग 0। ठीक है, और यहाँ पे रेड कलर का वीडियो बनाया है, मैं वीडियो देख लूँगा पूरी। तो अब मैं चलता हूँ लेसन कॉन्टेंट की तरफ। तो इसमें देखिएगा आप, इसमें जो है आपके लेक्चर कॉन्टेंट आ गए। ठीक है, यानी 45 लेक्चर आपके क्या हैं पूरे। ठीक है, उसकी डिटेल दी हुई यहाँ पे, और अगर हम यहाँ चलें वीडियोस में तो आपको वीडियोस दी हैं। ठीक है, तो आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके 45 पूरे वीडियोस आपकी आ जाएंगी, यानी कि अगर मैं यहाँ आऊँ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप ये देखें, ये क्लिक देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखें आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, लिस्ट इंप्रेशन दिया हुआ है, लिंक लिस्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको सारे टॉपिक दिए हुए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चलूँ लिस्ट इंप्रेशन तो ये आपको लेक्चर नंबर 2 में ले जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में हम आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बार के जरिए भी लेसन को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा क्या आएगा, लेसन 3 पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लेसन 3 हमारा लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं आप, और
उसको आप लेक्चर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा चलते हैं अपने होम टैब की तरफ, और अब हम इसमें देख लेते हैं कि असाइनमेंट, ठीक है, वही है। अगर आपका असाइनमेंट होगा तो आप असाइनमेंट में जाएंगे तो शो कर देगा। आप देख सकते हैं तीनों असाइनमेंट आए हुए हैं और सबमिट भी है, स्कोर भी किए हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम अगर हम क्विज में जाएंगे, यूटी पे में जाएंगे, एक्टिविटी में जाएंगे, अनाउंसमेंट में जाएंगे तो हमें ऐसे ही शो करेगा। तो अनाउंसमेंट में जाकर चेक कर लेते हैं, तो ये आपको इस तरीके से अनाउंसमेंट आएगी यहाँ पर कि आपका क्विज आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, तो एक मतलब मैं जाकर आपको क्विज में भी दिखा देता हूँ। GDB पर आई पी देखें, यहाँ पर इस तरीके से आएगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी आपको। और इसके अलावा जो है क्विज़ में जाएँ, यहाँ पर आपको क्विज शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैंड क्विज जो मेट्रो पर जगह हुआ था, क्विज़ वन, ये इसकी डेट है, इसकी एंड डेट है, ये टोटल मार्क्स है, और स्टेटस कैसा क्लोज हो चुका है, सबमिटेड हो चुका है, और मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको बैक। देख सकते हैं सी एस 304 है, MGT 301। अच्छा, इसमें क्या आप देख सकते हैं, यहाँ 45 है, यहाँ 220 है, यहाँ 13 है। तो MGT में जो है आपकी जो एक थीम है, मैं टोटल 13 थीम है। ठीक है, एक थीम के अंदर 19 वीडियो होंगी, तो ये थीम को काउंट कर रहा है, यानी एक थीम के अंदर आपके 19 या 18 ऐसे कुछ वीडियोज है। ठीक है, तो वैसे भी ये शॉर्ट कोर्स है, यानी MGT 300 इतना बड़ा है नहीं। अगर इसकी बात करें CS600, इसमें टोटल 220 वीडियो है। ठीक है, इसमें टोटली 220 वीडियो है। ठीक है, इसमें 45 और इसमें 45 है, तो इसमें भी पूरा सेम है, आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक में क्या है, ग्रेड बुक में जो है आपके जितने भी आप कोर्सेज पढ़ चुके हैं उसके ग्रेड यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा ID लिखी हुई है, मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेरे क्रेडिट एक्सटर्न यानी कितने मिलाए गए हैं, क्रेडिट अन कितने मैंने अन कर लिए हैं, टोटल क्रेडिट मेरे कितने हैं। ठीक है, और सेमेस्टर GPA मेरा क्या है, और CGPA मेरा क्या है, इफेक्टिव CGPA क्या है मेरा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं जितने भी टास्क फोर्स में पढ़ चुका हूँ उसका यहाँ पे आपको ग्रेड शो कर रहा है, बकायदा कलर में चेंज कर रहा है, ए है तो ग्रीन है, बी है तो ब्लू, और बी प्लस है तो ब्लू। ठीक है, तो इसी हिसाब से शो कर रहा है। अगर हम आगे चलें मिड टर्म, यहाँ पर आपका मिड टर्म का रिजल्ट आएगा, यहाँ पर आपका ग्रेडिंग स्कीम आएगी। ठीक है, तो कितने पे आपका सी होता है, कितने पे बी होता है, बी प्लस होता है, कितने में ए प्लस होता है, और प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वही प्रोग्राम दिया हुआ है, मेरा ID दी हुई है, मेरे GPA दी हुई है, क्रेडिट हैंड दिए हुए, आप ये जो है आपको ये दो यहाँ से चेंज करने को होगा, बस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ यहाँ पे तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कितने मार्क्स चाहिए आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करें और ये आपको ऑटोमेटिक शो कर देगा आपकी GPA। ठीक है, और CUMUDA इसमें कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा, जब आप देख लीजिए, जब आपके सिलेक्शन के ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे अकाउंट्स बुक में। उसमें क्या होता है, आपके सारे अकाउंट्स की डिटेल होती है, जो आपने फीस वगैरह पे की है लास्ट टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे बैंक की सारी डिटेल वगैरह आ रही है, सारी पेड है, अभी मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं की तो इसलिए मेरा कोई वाउचर यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, आप चलते हैं लेक्चर शेड्यूल्स में। इसमें क्या है, आप जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको लेक्चर शेड्यूल दिखाई देगा सिंपल, तो आप यहाँ जाके लेक्चर शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर रेगुलर रिपीटेड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मेल पे। मेल पे क्या होगा, अगर आप मेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल वीयू की तरफ से आपको जो ईमेल आईडी दी गई है वो आपकी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे नोट्स की तरफ। नोट्स में क्या है, नोट्स का इतना ऑप्शन इतना इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपना लिख दूँ एंटर टाइटल, अगर CS403 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में क्या नोट लिखना है कि इसका क्विज़ मुझे करना है या क्विज़ करना है, कुछ भी यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नोट सेव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस नोट को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, आप चलते हैं माय स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम क्या है, देखें अब लास्ट वाले में जो आपको दिखाया गया था उसमें आपके गेट बुक में सिंपल आपको सिर्फ ये शो किया हुआ कि आपके नाम, कोड, स्प्रिंग में आपने क्या सेमेस्टर कोर्सेज किए थे। आप उसमें क्या लिखा है आपको माय स्टडी स्कीम में कि आपके जो कोर्सेज पढ़ चुके हैं और जो रह गए वो सब शो करेगा। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ जो आप पढ़ चुके हैं वो शो कर रहा था। इसमें क्या शो कर रहा है आपको, इसमें ये कि आप जो कोर्सेज पढ़ चुके हैं और आगे जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे यहाँ 4 सेमेस्टर शो हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरा 2 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, आगे मुझे कंटिन्यू करवाना है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ यहाँ पे 4 पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ 4 सेमेस्टर में 4 कोर्सेज लेने होंगे। ठीक है, और ऑलरेडी मैं 4 सेमेस्टर का एक कोर्स 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या रह गया हमारा, अब हमारा रह गया माई स्टडी स्कीम हो चुकी है और माई स्टडी कोर्सेज। तो बेसिकली ये भी पूरा सेम है। अब इसमें आपको पिक्चर्स के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, या आप GUI के फॉर्म में इसको सिंपल किया लें तो आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज मैं पढ़ चुका हूँ यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। ठीक है, यानी जो मैं पढ़ चुका हूँ सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्म में किया लें आप इसको। ठीक है, आप चलते हैं स्टूडेंट सर्विस में, तो आपका सारे HSC स्टूडेंट हैंडबुक है, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप, मेक जो डेट शीट वगैरह जो आपको बनानी होती है, कोर्सेज के डेट हार्ट ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें आपके इस टैब में होंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी, अब ये तो होगी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो
अच्छा इंटरफेरेंस, अच्छा इसके बाद है कोर्स सिलेक्शन। इसको कोर्स सिलेक्शन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि LMS अपडेट हुआ है वो अच्छा है बुरा है, तो मैं समझा दूँ। देखें अपडेट अच्छा हो गया, 18 साल में कहीं अपडेट हो गया तो बहुत बड़ी बात है कि अपडेट हो गया, अपडेट होना चाहिए, ठीक है। और रही बात इसके इस्तेमाल की, तो भाई कुछ टाइम लगेगा, आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ बोलने के भाई डिजी स्किल का ये कॉपी किया, तो भाई डिजी स्किल जो है वो ऑलरेडी वीयू वालों का है, ये जो प्रोडक्ट है ये वीयू वाले की है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेरेंस है। तो मेरे ख्याल से इतना थोड़ा बहुत सेम है और ज़्यादा कुछ सेम नहीं है, ठीक है। और कुछ बोलने PI ऐसे के उन्होंने फॉलो किया, तो उनका आप देख सकते हैं इस तरीके से है, तो जो सिंपल स्टैंडर्ड है वो सबने फॉलो किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये भी सही है, बुरा नहीं है। तो इसमें जो है आपकी सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं, ठीक है। अच्छा तो अब हम चलते हैं कोर्सेज सिलेक्शन की तरफ, तो मैं करता हूँ इस पर क्लिक। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे करंट सेमेस्टर नंबर मेरा 4 है, BSc प्रोग्राम है और क्रेडिट अनफोर्डेड हो चुके हैं, और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है वो मेरी 21 है, लेकिन मेरे कितने रह गए, सिर्फ 4 कोर्सेज रह गए हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या मैं अगला कोर्सेज ले सकूँ ले सकूँ? तो मैं सिर्फ 4 कोर्सेज लूँगा, ये 4 मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैं ऑन करूँगा तो मेरे कोर्सेज होगा सिलेक्ट, और इसको मैं कर दूँगा ऑफ, तो मेरे कोर्सेज सिलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे 4 पढ़ना है तो मैं ये 4 कोर्सेज सिलेक्ट कर दूँगा, इस तरीके से मेरे 4 होगा सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ, आप सो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिर हैं तो यहाँ पर मैं कर दूँगा सेफ सिलेक्शन, ठीक है। तो आप देखते, तो मैंने अब सेफ सिलेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो आप बोल रहे लोड सिलेक्टेड कोर्स, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, CGPA कैलकुलेट सेफ सक्सेसफुली, तो मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोबारा जाता हूँ मैं कोर्स सिलेक्शन में, तो मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, दोबारा लॉग इन करके देखता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 4 कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं सिर्फ, और इसमें 4 तो मेरे कोर्सेज शो हो चुके हैं, CS 401, CS 403, CS 610 और CS 504, तो ये 4 कोर्सेज मेरे शो हो चुके हैं। तो अब अगर मैं जाऊँ अपने होम टैब में, तो आप देख सकते हैं 4 कोर्सेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेट लिखी हुई है 12 नवंबर तक, आप इसको कोर्स ऐड और ड्रॉप कर सकते हैं। अनाउंसमेंट आई भी है, मैं अनाउंसमेंट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिया हुआ वेलकम नोट, तो इसका मतलब क्या, डियर स्टूडेंट आप वेलकम है, आप इसमें जान दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास यूट्यूब पर, अगर आपने थोड़ी देर पहले मैं देखा था, जब मेरे लेक्चर, जब मेरे आखिरी सेमेस्टर कोर्सेज थे, यहाँ पर 45 लिखा था, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि मैं 45 लेक्चर सारे ले चुका था, यानी कि इनके शेड्यूल के मुताबिक वो लोग कोर्सेज अपलोड कर चुके थे, क्योंकि अभी ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, आज पहला दिन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड, इस लेक्चर में लिखा है 1 1 1, इसका मतलब क्या है कि इसकी अभी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर जाकर देखूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ आगे, यहाँ से क्लिक करके देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, तो ये मना कर रहा है आपको, यानी कि सीक्वेंस लेक्चर चल रहा है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप यूट्यूब पर जाएँ, लिखे CS 401, तो वहाँ पर इनके सारे लेक्चर अपलोड होंगे, तो आप जब भी जाएँ एक साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रही बात कि इसकी व्यू की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आ रहा है रेड, जब आप इसको वीडियो को देख लेंगे, अगर आप मैं इसको प्ले करूँ, यहाँ पर आगे क्लिक कर दूँ और इसको पोस्ट कर दूँ, और कुछ देर बाद मैं अगर आके देखूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये अपने आप को खुश करने के लिए कि आपने लेक्चर लिया है या नहीं लिया है, इससे भी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो आप लेक्चर भी नहीं, आप LMS से लें, आप जाके यूट्यूब से भी ले सकते हैं लेक्चर, ठीक है। तो ये सिर्फ अपने आप को, अब आप वीडियो ले लेंगे, अभी यहाँ शो नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा यहाँ पर कर देगा ग्रीन, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए उन्होंने दिया हुआ, ऐसा कुछ मसला नहीं है। अगर आप इसको नहीं लेते, रोजाना का स्टाफ फेल हो जाएंगे, या फिर मार्क्स नहीं देंगे, ये सिर्फ देखने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, और इसी के साथ यहाँ पे जाके आपको दिया हुआ है डाउनलोड फाइल, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, डाउनलोड फोल्डर, जो भी इसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो आपको सारा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसकी स्लाइड्स वगैरह वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।